नीचे आने का फिर ऊपर लेकर आने का डन।
हाँ बैठो। टीवी लगा है।
फर्स्ट टाइम का लाइव था इसने घूमते फिर बाद में खड़े रहेगा फोटो ले लेंगे। डेढ़ साल हुआ बात तो किया था आपने। 50 जन का ग्रुप है, 50 आदमी का ग्रुप है आपने। अच्छा उसके आपके घर पे आपका ग्रुप के बाद अलग जितने ना सब अलग अलग लोगों के अलग। बोले वैसा कोई फैसिलिटी हर जगह पे ना ऐसे सब बड़े काम है। हम एक पेशेंट का उसका एक नंबर उसका किसी का फोन का डाल दे फोटो के साथ सबका चाहिए सब पेशेंट्स। और तीन तरह के फ्री वाले क्या मिडिल क्लास को 500 रुपये पैसे वाले को 1100 रुपये लेकिन बाहर होता है 2000 रुपये। लेकिन जो मेरे अफोर्ड कर सकता है स्पेशल कैंसर और एड्स है ना उसके लिए अलग से सेक्शन। बट कैंसर तो ये भी नहीं सकता આપણા ઇવેન્ટમાં સર એક કલાકનો પ્રોગ્રામ કરવાનો છે ઇવેન્ટમાં આપણા ફંડરેઝિંગ કા आपके टीम मेंबर्स को काफी लोगों को मैंने घर पे आपके मिला था जहाँ का घर ओपनिंग था ना अभी वहां पे रहते हैं अभी अरे तब नंबर एक चार्ज पीछे मनोज मनोज चार कमल पहले लो मेरा लोग लास्ट में रहता हूँ तो चलिए इधर है ना हो जाए ना फिर सही क्यों बताओ कोई बच्चा हाय कर दिया योगेश भाई तुम कहाँ हो हाय कुछ लोग फिलहाल तो इधर आइए सर।
वर्ड आ रहा है दब रहा है गरीब लोग के लिए फ्री है। एक साल में 10,000 डायलिसिस किया है, 10,000 डायलिसिस हमने किया है। ऐसा 5-star ट्रीटमेंट वाला हॉस्पिटल पूरे इंडिया में फर्स्ट होगा। ये देख लो फैसिलिटी अवेलेबल है डायलिसिस का, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो मैं ऐसे हॉस्पिटल में मुंबई में कभी भी नहीं गया हूँ। इतना साफ सुथरा और इतना मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ 5-star होटल। इतनी अच्छी इतनी सुविधाएं। और जब मुझे पता लगा कि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है तो मतलब मैं आई कांट बिलीव इट कि इतना अच्छा काम जो ये मातोश्री जयाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, योगेश भाई ब्राइट एडवर्टाइजिंग, ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जो ये इतना नेक काम कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ये जो चीज है वो इसमें क्या कहूँ मैं। ऐसा लगता है कि ये धार्मिक जगह है। यहाँ जैसे मंदिरों में इतना भगवान दूसरों की दुआएं सुनते हैं और श्री प्रार्थना सुनते हैं, वैसे यहाँ पर इतना जो सुविधाएं है, जो डायलिसिस 10,000 डायलिसिस होते हैं साल में, और कितने लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिसके जिसकी हालत अच्छी नहीं है लेकिन उनको डायलिसिस कराना पड़ता है जिंदा रहने के लिए।